हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लेसन नंबर हमारा 5, डेसिमल हम कंप्लीट अपना कर चुके हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स लेसन नंबर हमारा 6, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स किया था नियरेस्ट 10, 100 and 1000 के। आज हम मोर ऑन राउंडिंग ऑफ नंबर्स 10,000, 1,00,000 एंड करोड़। आपने जब ये क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे करने के लिए, यहाँ पे पेज नंबर 69 पे आपके नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, यहाँ पे आपके 100 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी वाला, अगर आप जो आपको कंसेप्ट दिए थे सेम आपका एक कंसेप्ट सब में लग रहा है, सेम कंसेप्ट आपका 10,000, लाख में एंड करोड़ में सेम कंसेप्ट आपका उसमें भी लगेगा। आगे के जो डेसिमल में है उसमें भी आपका सेम ही कंसेप्ट आपका इसमें लगेगा। तो आपने क्या देखा था इसमें कि जिसके नियरेस्ट आपको पूछा जाता है, जिसके भी नियरेस्ट आपको पूछा जाता है, उसके पहले वाली जो प्लेस वैल्यू है, आपकी जो डिजिट है, उसे हम चेकआउट करते हैं कि क्या है वो 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर 5 से स्मॉल होती है, यानी कि 1, 2, 0, 3, 4, तो आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ उसी डिजिट से आपको क्या करना होता है, 0 पुट करना होता है। अगर आपका नंबर 5 से बड़ा है, 6 या 5 है या 6, 7, 8, 9 है, तो आपको क्या करना होता है, जो नियरेस्ट पूछा जाता है उसमें आप 1+1 करते हैं और बाकी जो पीछे की डिजिट्स हैं उनको क्या करते हैं, हम 0 पुट करते हैं, 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम कंसेप्ट है, आपने किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है आपका और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिंपल सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है, सेम आपने वही फॉलो करना है सारे क्वेश्चंस के लिए। तो लेसन नंबर आपका 6 है, यहाँ पे देखिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स, पेज नंबर 60, 69, 70 and 71 में क्वेश्चन हम देखेंगे मोर ऑन राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स मैंने आपको बताया था, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि लगभग, जब हमें हमारे पास कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं कि हम उनका एग्जैक्ट जो नहीं काउंटेबल हम कर पाते हैं उसको, तो हम उसको लगभग में क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में डाल देते हैं कि नियरेस्ट इसके निकाल दो, नियरेस्ट कर देते हैं हम उसको, राउंड ऑफ फिगर में लेकर आ जाते हैं, तो वो हमारे राउंडिंग ऑफ नंबर्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जब कभी हम जब कोई सामान परचेज करते हैं या कभी किसी को दे देते हैं, तो कुछ पैसे हम छोड़ देते हैं या शॉपकीपर हमारे पास कुछ पैसे राउंड ऑफ में हमको करके दे देता है। अगर कभी 700 का अगर कभी हमारा क्या है, हमारा बिल आया है और अगर हमारे पास सिर्फ 650 रुपीज़ हैं, तो वो राउंड ऑफ में हमको कह देता है कि चलो 650 ही आप क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ आप अपने डेली लाइफ में आप देखते हैं किस तरीके से नंबर्स, जब आप कोई सामान परचेज करते हैं या देते हैं लेते हैं, तो उसमें इस तरीके के राउंड ऑफ नंबर्स आप करते रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी जाते हैं शॉप में, मार्केट में, तो आप इस तरीके की जो नंबरिंग का जो, क्योंकि हर चीज़ क्या होता है, हर जगह आपका क्या है, मैथ्स इन्वॉल्व होती है। चाहे आप कहीं भी जाइए तो हर जगह क्या होता है, जो एक मैथ्स का जो एक नेचर है, यानी कि जो हमारा गणित विषय है, वो क्या होता है, हर जगह इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आज हम करेंगे नियरेस्ट 10,000 के। तो सेम इसमें भी सेम आपका कंसेप्ट लगेगा, आपको 10,000 पूछा है तो आपने किस पे देखना है, हम देखेंगे 1000 को, चेक करेंगे कि इसका नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, हम 1000 में चेक करेंगे, तो इसका मतलब 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम 1000 से ही सारे प्लेसेस को क्या कर देंगे, 1000 भी आपका 0 हो जाएगा, 100 and 10 and 1, ये सारा क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 क्या है, स्मॉलर देन 5, सेम कंसेप्ट आपका लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल और लिया है, यहाँ पे देखिए 289, 245 है यहाँ पे, तो हम 1000 में ही जाएंगे क्योंकि नियरेस्ट 10,000 के पूछा गया है, तो हम 1000 को चेक करेंगे। तो 1000 में देखिए 5 से क्या है, 9 बड़ा नंबर है, तो जब भी इस तरीके की, जब 9 नंबर आपका 5 से जब कोई नंबर बड़ा होता है या 5 के इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा जाता है, यानी कि जैसे हमें यहाँ पे 10,000 पूछा गया है, तो हम 10,000 में एक नंबर क्या कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 8 में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और बाकी पीछे की जितनी भी डिजिट हैं उसको 0 में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 5 से बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, इसके 10,000 में हमने 8 में हमने क्या कर दिया, +1, तो कितना हुआ,
9 यानी कि 29 और बाकी डिजिट को हम क्या कर देंगे, सॉरी बाकी डिजिट को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। सेम कंसेप्ट है आपका, 10,000 में भी इसी तरीके से करेंगे और लाख वाला मैंने नहीं करा है, लाख वाले में भी सेम आपको सेम प्रोसीजर यहाँ पे देखिए, जो आपका लाख है यहाँ पे लाख वाले में भी सेम आपने चलना है। आपको लाख पूछा है तो आप किस पे किसको चेकआउट करेंगे, आप करेंगे 10,000 क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 और उसके बाद आपका आता है लाख, तो लाख से पहले क्या रहा है आपका 10,000, तो आप 10,000 के डिजिट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे करोड़ का मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, यहाँ पे देखिए करोड़ आपसे पूछा है, करोड़ के नियरेस्ट पूछा है, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल आपका 4675960। तो करोड़ है तो करोड़ से पहले क्या आता है आपका, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख एंड 10,00,000 करोड़। तो करोड़ से पहले क्या आता है आपका 10,00,000, क्योंकि सबसे पहले हमने चैप्टर में हमने नेमिंग करी थी अपने इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, तो ये अब आपको अच्छे से आ गया है, काफ़ी टाइम से आप करते आ रहे हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए 6 अब क्या है आपका, 5 से बड़ा नंबर हो गया, ये नियरेस्ट करोड़ के पूछा है तो हम किसको चेकआउट करेंगे, हम करेंगे 10,00,000 को। तो 10,00,000 में हमने देखा कि जो 6 है यानी कि 5 से क्या है ये बड़ा है, तो हम इसके करोड़ में यानी कि 4 यहाँ पे हमारा करोड़ है तो हम 4 में प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, हमने 5 किया और बाकी सारे डिजिट को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, 0 में। सेम प्रोसीजर बार बार कह रही हूँ, सेम कंसेप्ट आपका लग रहा है, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, 3225-3918। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम, ये भी आपका नियरेस्ट करोड़ के लिए पूछा है तो हम इस पे भी कहाँ पे जाएंगे, हम इसके 10,00,000 में हम देखेंगे। 10,00,000 में देखिए 5 से 2 क्या है, छोटा नंबर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलते हुए यानी कि 10,00,000 से चलते हुए सारे डिजिट को हम ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इजी कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट आपने डेसिमल पे भी फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पेज नंबर 70 में आपके डेसिमल के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको नियरेस्ट वन बताना है, 1 डेसिमल बताना है, 2 डेसिमल तक बताना है एंड 3 डेसिमल तक आपने बताना है। तो डेसिमल चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस करी होगी। उसमें क्या करते हैं हम अपना जो हमने हमारा जो मेन पार्ट था यानी कि उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और जो हमारे डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। भाग वाला जो हमारा क्या होता है, भिन्न का पार्ट होता है, और जो आगे वाला होता है वो हमारा मुख्य भाग होता है। तो ये अब आपको अच्छे से पता है। डेसिमल भी सेम आपका, सेम कंसेप्ट आपका लगेगा जो हम अभी नियरेस्ट वंस सॉरी टेंस के, हंड्रेड के, थाउजेंड, 10,000, लाख, करोड़ जो हम चल रहे हैं, सेम आपने कंसेप्ट यहीं लगाना है। 5 से नीचे होगा वैल्यू यानी कि 5 से कम वैल्यू है तो आप ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर 5 से ज़्यादा है तो उस जो नियरेस्ट पूछा जाता है उसमें हम क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नियरेस्ट वन, नियरेस्ट वन इसका मतलब 5 डेसिमल से पहले वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा वन है, ठीक है। तो जब हम नियरेस्ट वन के हमसे पूछा गया है तो हम किसको चेक करेंगे, हम इसके बाद वाले नंबर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से 2 है ना, तो 5 से 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5.0 भी लिख सकते हैं और आप 5 भी लिख दीजिए तो भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ए का और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ए, यहाँ पे है 4.67। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट वन पूछा है यानी कि 4 का पूछा है हमसे, तो इसके हम बाद वाला नंबर हम ले लेंगे, मतलब इसके जो बाद वाला नंबर है इंटीग्रल पार्ट जो आपका डेसिमल के बाद है। तो यहाँ पे देखिए 6 आपका क्या है, बड़ा नंबर आ गया आपका, तो अब आपका क्या होगा, 6 आपका बड़ा नंबर है तो 5 से बड़ा है, तो जब भी 5 से आपका बड़ा होता है तो जो हमसे नियरेस्ट पूछा जाता है उसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस 1। तो हम प्लस 1 करेंगे किस में, 4 में, तो हमने 4 में प्लस किया तो 5, और बाकी की जो आपकी डेसिमल के बाद जो बाकी की जो आपके डिजिट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, 0 में। सेम आपका बी वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें आपको बताना है राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस आपको बताना है, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद वाला यानी कि 5.288 आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो डेसिमल के बाद 1 डेसिमल यानी कि 2 डेसिमल आपका 8 में आ रहा है, सॉरी 1 डेसिमल आपको इसमें बताना है, तो 1 डेसिमल आपका कहाँ है, ये 2 है, तो आप इसके बाद वाला नंबर आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले वाले नंबर पे आप क्या कर देंगे,
यानी कि जो नियरेस्ट पूछा है वन डेसिमल, उसमें हमने क्या कर दिया, प्लस वन, और बाकी डिजिट क्या हो गया आपके पीछे वाले डिजिट क्या हो गए, ज़ीरो। अब आपका क्या हो गया ये 5.300। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बी का 2.173। अब यहाँ पे देखिए वन डेसिमल पूछा है, इसका मतलब वन के बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी आपका सेवन है यानी कि फाइव से बड़ा है, तो इसमें भी हम सेम चलेंगे, वन डेसिमल में हम क्या कर देंगे प्लस वन, तो कितना हो जाएगा आपके पास, बाकी को जीरो ज़ीरो कर दीजिए 2.200। सेम प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है, आप करेंगे तो आपको इजीली फटाफट से आपको क्या हो जाएगा ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सी, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस आपको बताना है, यानी कि डेसिमल के बाद के दो प्लेस तक आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए 4.7138, ये आपका क्या हो गया, आपको बताना है, इसका बताना है आपको वन का बताना है, यानी कि टू डेसिमल तक प्लेस बताना है आपको, तो इसके हम बाद वाला नंबर हम चेक करते हैं जैसे आप करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे फाइव से कम है ये, तो इसको क्या करेंगे हम सब, इसको यहाँ से हम क्या करना शुरू कर देंगे, ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि 4.7100। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं 5.5152, इसमें भी हमको टू डेसिमल तक बताना है, यानी कि वन तक हमको बताना है, तो इसके बाद वाला नंबर हम चेकआउट करते हैं फाइव, यानी कि ये बिल्कुल बराबर है, फाइव के अगर बराबर होता है या फाइव से ज़्यादा होता है तो हमको जो पूछा जाता है उसमें हम क्या करते हैं प्लस वन कर देते हैं, तो ये फाइव के इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा 5.5 और वन में हमने प्लस वन कर दिया यानी कि टू, और बाकी डिजिट को क्या कर देते हैं हम ज़ीरो ज़ीरो। नेक्स्ट आपका डी, यहाँ पे थ्री डेसिमल तक आपको बताना है, राउंड ऑफ टू थ्री डेसिमल तक आपको करना है, तो यहाँ पे देखिए थ्री डेसिमल कहाँ पर आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है आपका डी का 9.8784, तो यहाँ पे देखिए वन ये हो गया आपका टू एंड थ्री, तो इसके बाद वाला नंबर हम चेक करेंगे तो फोर फाइव से क्या है छोटा है, तो इसको हम क्या कर देंगे कन्वर्ट ज़ीरो में, तो 9.878 आपका ज़ीरो। सिक्स क्वेश्चन हम ले लेंगे इसका 0.00765, 1 2 3, यहाँ पे थ्री प्लेस तक हमें बताना है और राउंड ऑफ करना है, तो हम सिक्स इसके बाद वाले नंबर को चेक करेंगे, सिक्स है, इसका मतलब फाइव से क्या है ये बड़ा है, तो हम इसके आगे वाले यानी कि जो नियरेस्ट पूछा है डेसिमल थ्री वाला, थ्री डेसिमल तक हम उसमें क्या कर देंगे प्लस वन, तो हमने सेवन में प्लस वन कर दिया तो कितना हुआ एट, और बाकी क्या हो गया आपका ज़ीरो, तो क्या हो गया पूरा आपका 0.00800। तो ये हैं आपके राउंडिंग नंबर्स, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे तो आपको ईजीली आ जाएंगे। पेज नंबर 71 में आपका ए एंड बी, आपका सेम आपने सेम टाइप के क्वेश्चन है आपके, आपने पहले इनको डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए पहले डिवाइड करना है, फिर टू डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ करना है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी आपने डिवाइड करना है, और इसको थ्री डेसिमल प्लेस तक आपने क्या करना है, आपने राउंड ऑफ करना है। बहुत चैप्टर इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको करेंगे आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस अच्छे होते रहेंगे। मैथ्स में यही है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या करनी होती है, कैलकुलेशन करनी है, डेली डेली क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो तो आपने कर रहे ही हैं, और पीछे भी जितना भी आपका सिलेबस होता जा रहा है उसकी भी आपने प्रैक्टिस आपने करते रहने हैं, अगर आप प्रैक्टिस छूट जाएगी तो आप सब कुछ क्या हो जाएंगे भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए। सो थैंक यू क्लास।